सर एक ना एक आपकी कंपनी जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिलवाया था वो था वोडाफोन आइडिया, 8-9 रुपये पे आपने प्लस करवाया, बाद में 16-17 तक चला गया था वो। सर कल उसके ना नंबर्स आए हैं, नंबर्स मैं जरा स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ आपको, दर्शकों के सामने भी आ जाएंगे। सर एक बार आपका टेक चाहिए इस पे, आइडिया पे, वोडाफोन आइडिया पे। डिम्पी जी आपने 16-17 नहीं सर, मैंने 18.5 में लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया। हाँ जी, 19 रुपए बिका है 18.5 में। मैंने कहा 11 वाला 10.5 11 वाला 18.5 हो गया, प्रॉफिट ले लीजिए, जब फंडिंग और आएगी हम देखेंगे। नंबर बहुत शानदार थे, लॉसेस हैव रिड्यूस्ड, आरपूस हैव इंप्रूव्ड एंड एबिटा हैज बीन द बेस्ट। लेकिन और कंपनी ने गाइड किया है कि 2000 करोड़ शायद प्रमोटर से आएगा, वी आर वेटिंग फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। देखिए वोडाफोन हैज नो डेट ऑब्लिगेशन टू एनी बैंक, उसको जहां तक किसी भी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं किया। दूसरा जो उसका स्पेक्ट्रम चार्जेस और इंटरेस्ट है वो आपको पता है, दैट दे हैव गॉट अ 33% इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब मेन प्लान ये है कि कितनी फास्ट उनको फंडिंग आती है। आरपू केम एट 145 और जो उनका 4G है वो और इंक्रीज हो रहा है। द नेक्स्ट लेवल विल बी 5G, जिसके लिए कैपिटल चाहिए एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल आर वेटिंग फॉर। तो मैं कहूंगा जिस दिन कैपिटल अनाउंसमेंट आए, आप में इन्फ्यूजन आए, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस बिकॉज आप देख सकते हैं कि हाउ भारती जियो हैव टर्न राउंड एंड आर शोइंग द हाईएस्ट आरपू। 200 रुपए का आरपू हो गया उनका, तो ये 145 वाला आरपू अगर अगले 2 क्वार्टर में बढ़ता है तो उनमें अर्निंग्स और बढ़ सकती है। जिसके पास है बने रहिए, और जिसके पास नहीं है वो वेट करे फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। बसीन साहब मैं आपके ना 30 सेकंड और लूंगा। कल एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर ना जोरदार गिरावट थी, करीब 10% ये शेयर टूट गया। बता रहे हैं कि थोड़ी इस एसेट क्वालिटी खराब हुई है, इसकी वजह से एक पनिशमेंट मिली है। सर ये पनिशमेंट रिवॉर्ड में कन्वर्ट होगी या फिर पनिशमेंट अभी जारी रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है डिम्पी जी, ये शेयरों में ओवर ओनरशिप है एफआईएस की, और इस कारण से आजकल बैंक्स में एचडीएफसी ने टोन सेट कर दी, तो सारे बैंक की आप पहले उनकी नेगेटिव सरप्राइजेस देखते हैं। एयू बैंक एक स्मॉल मीडियम बैंक था जो जिसकी एक्सपेंशन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है रूरल्स में एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ी सी एसेट क्वालिटी में डिटीरिएशन आ सकती है। अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी तो एयू बैंक विल नॉट बी स्पेयर्ड ऑल्सो, मुझे लगता है। लेकिन ये 600 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। द टाइप ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री विच वी आर वेटिंग फॉर, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रैग्मेटिक, और वो हमेशा उन्होंने गाइड किया है कि लॉन्ग टर्म दे हैव अ वेरी गुड अप्रोच। और आपको शायद पता नहीं, जयपुर, महाराष्ट्र, ये राजस्थान रीजन में एयू बैंक इज ओनली गेनिंग मार्केट शेयर एंड कासा डिपॉजिट। तो 600-625 पे इट्स अ स्टॉक जिसमें आप सिप कीजिए, यू विल बी richly rewarded as deposits increase and yield start to get better, और अगले 2 क्वार्टर में मेरे को लगता है अर्निंग्स विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड।